न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। बड़ा मुकाबला होने वाला है। कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जा रहा है एडिलेड के मुकाबले में। इस विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराना चाहे एहसान खान जी हैं, एहसान इब्राहिम जी हैं, इमरान क्रिकेट कोच हैं। आपका सर स्वागत है हमारे खास शो में। सर आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला है, किस नज़रिए से देखते हैं, किसका पल्ला भारी लग रहा है आपको? देखिए आज का जो मुकाबला है ये तो कोई इजी मुकाबला नहीं, बहुत कांटे बड़ा मुकाबला है। क्योंकि इंग्लैंड टीम को हम लोग कम ना समझें, वो बहुत मजबूत टीम है और पिछले जो इस वर्ल्ड कप में 5 मैच खेले में 4 मैच जीत के आ रही है और उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं और हम लोग को इसको ईजी ना लेके एक कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। बात करें टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की, आर अश्विन को चहल की जगह और दिनेश कार्तिक पंत की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, क्या देखते हैं, क्या कॉम्बिनेशन सही रहेगा आज की मैच को लेके? देखिए अश्विन की यहाँ बात करते हैं तो जैसे आपने अभी देखा कि वो शुरू के ओवर में बॉल डाल रहे हैं बॉल से, तो उनको एक्सपीरियंस के नाते मैं अश्विन को तरफदारी करूँगा, अश्विन को मौका दिया जाए। और दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक को भी यही चीज़ लागू होती है कि बड़ा मुकाबला है, बड़े मुकाबले में ऋषभ पंत से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है और एक बड़ा खिलाड़ी है दिनेश कार्तिक, इसलिए मैं चाहता हूं कि दिनेश कार्तिक और अश्विन दोनों को मौका दिया जाए। मैं बात इंग्लैंड की टीम करें, डेविड मलान के चोटिल होने की खबर आई, मार्क वुड अभी तक फिट हैं, अंतिम शामिल होंगे कि नहीं अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो कितना फ़ायदा इंडिया को लग रहा है? बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे मार्क वुड की देख रहे हैं आप बॉलिंग और जो उनके पेस अटैक हैं, बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा इंडियन टीम के ऊपर। मार्क वुड एक फैक्टर है और पिछले कई मैचों से उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम देखा जाए तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड के सामने जो हमारे ओपनर है कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। टीम इंग्लैंड की टीम में सैम करन है। सैम करन हमें लिए कितना फायदा, क्या हमें लग रहा है कि शुरुआत के ओपनरों को हमें परेशान करने में कुछ? अभी तक आपने जितने मैच देखे इनके, जो इंग्लैंड के सैम करन है, वुड्स हैं, ये सब ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, इनका पेस अटैक बहुत अच्छा है। और अभी हमारे जो बैट्समैन है केएल राहुल पिछले कुछ इनिंग से फॉर्म में आ चुके हैं तो हम नहीं जानते कितना परेशान करेंगे। और रोहित शर्मा एक महान खिलाड़ी ही है, 3 मैच में उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है लेकिन आज बड़ा मैच है और बड़े मैच में उनसे अच्छी परफॉर्मेंस हम सबको उम्मीद है। आपने रोहित शर्मा की बात की, पूरा वर्ल्ड कप हो गया, एक अगर अर्धशतक छोड़ दिया जाए तो उनका प्रदर्शन नहीं आया। वहीं बात करें हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ रनर बाय तो मैच जिताया लेकिन उसके बाद उनका भी बल्ला खामोश है। अब यही होता है, दिन होता है इंसान का कि आउट हो गया अलग की मैटर है, लेकिन हम हार्दिक पांड्या को जो मौका मिलेगा मैं चाहता हूं अगर लास्ट के 15 ओवर हों तो लास्ट के 5 ओवर्स के लिए हार्दिक पांड्या आज बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो एक बड़ा मैच है और वो भी ज़्यादा करो या मरो की स्थिति है, अब मैच जीतना है, फाइनल पहुंचना है और 2007 की चीज़ को दोबारा दोहरानी है। एडिलेड में मैच हो रहा है, इसके पहले इस मैच में मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, देखा था स्पिनरों को बहुत मदद मिली थी, क्या लग रहा है कि किसका इस मैच में पड़ा कुछ भारी आपको नजर आ रहा है, कहाँ किस स्तर पर दोनों टीमें टिकी हैं अगर आपस में इन दोनों की टीमों की तुलना की जाए? अब देखिए स्पिन की बात आपकी बात सही है कि उसमें जो 2 स्पिनर लेके इंग्लैंड भी उतर रहे हैं और थोड़ा सा स्विंग एडिलेड में कम है बनस्पत मेलबॉर्न के नज़रिए, सिडनी के नज़रिए एडिलेड में थोड़ा स्विंग कम होता है मीडियम पेसर, अगर शुरू में 5-6 ओवर अच्छी बॉल डाल गए तब तो ठीक है, अदरवाइज स्पिनर अटैक रही रहेगा जो डेथ ओवर तक जाएगा। स्पिनर की बात हो रही है तो भारत के खिलाफ हमने देखा है कि आदिल राशिद का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। आदिल, हमने मोइन अली का तो हम संभाल लेते हैं लेकिन आदिल राशिद भारत के लिए खतरा होते हैं, उन्होंने कई बार रोहित शर्मा को पिछले मैचों में आउट भी किया है। आदिल राशिद को आप किस स्तर से देखते हैं कि भारत मैच में क्या रणनीति के साथ उनके खिलाफ उतरना चाहिए? लास्ट फ्यू मैचेस में आदिल राशिद का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चला आ रहा है हर टीम के अगेंस्ट और इनको हम इजी भी ना लें और रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ी उन्होंने आउट किया है और भारतीय टीम भी कहीं से ही आप ये देखिएगा आज के मैच में स्पिनर्स के लिए चढ़ के ही खेलेंगे, वो अटैक करके खेलेंगे और अटैक करेंगे, फर्स्ट अटैक अगर हमारा अच्छा होगा तो फिर हावी हो जाएगी हमारी टीम। आपने फर्स्ट अटैक की बात की, ओपनर हमारे पूरे वर्ल्ड कप हो गया और पिछले मैचों में देखे तो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसी मैच में रोहित चलते हैं तो राहुल आउट हो जाते हैं, राहुल चल रहे हैं तो एक साथ हमारा प्रदर्शन निखर के नहीं आ पा रहा है, क्या लग रहा है आज के मैच में कि इन दोनों से कुछ प्रदर्शन की अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी? जी जरूर, क्योंकि केएल राहुल लास्ट 3 इनिंग से परफॉर्मेंस कर रहे हैं रेगुलर और रोहित शर्मा ने जो
टीम मैचों में 15 बनाए हैं, तो ये उनके लिए नहीं मायने रखता है, क्योंकि वो बहुत महान खिलाड़ी हैं और महान खिलाड़ी बड़े मैचों के दिन के खेल ही खेलते हैं। और आज वो साबित करेंगे कि रोहित शर्मा ही महान खिलाड़ी हैं और एक बड़ी इनिंग खेलेंगे और कप्तानी पारी खेलेंगे। जैसे लास्ट मैच में आपने देखा पाकिस्तान जीती, पाकिस्तान के बैट्समैन बाबर आजम जो पिछले कई इनिंग से नहीं चल रहे थे, नहीं परफॉर्मेंस कर रहे थे, एक बड़ा मैच था उनके लिए। सेमीफाइनल जो एक मैच होता है, ये फाइनल से बड़ा मैच होता है। अब बड़े मैच में उन्होंने कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। ठीक उसी तरीके से रोहित शर्मा जो सेमीफाइनल में खेल रही, फाइनल से बड़ा मैच है। इसमें पूरी भारतवासियों को, हम सब खेल प्रेमियों को ये उम्मीद है कि बड़ा स्कोर करेंगे और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाएंगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़े मनोबल के साथ फाइनल में मुकाबला करेंगे। आपने रोहित शर्मा की बात की, उम्मीद सभी कर रहे हैं कि आज उनका बल्ला चलेगा, काफ़ी समय से खामोश है। वहीं बात विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव की करें, बहुत गजब का प्रदर्शन किया है, क्या लग रहा है कि आप बड़ा एक कुछ देखने को मिलेगा इन दोनों से? ज़रूर मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे स्टार्टियों को सारा फोकस इंग्लैंड के बॉलर्स का ये है कि विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव जो आके जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और रोहित शर्मा को वो लोग इतना नहीं सीरियस ले रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। अब गेम प्लान इनका यही होना चाहिए कि चाहे T20 शॉर्ट ओवर की क्रिकेट होती है, कोई भी प्लेयर हो अगर महान है तो हर एक के लिए आज स्ट्रेटजी बना के रखेंगे। सूर्य कुमार यादव जो रेगुलर परफॉर्मेंस कर रहे हैं 360 आप उनको कह सकते हैं, और हर तरफ शॉट्स खेलते वो तो डेंजरस ही है, डेथ ओवर के डेंजरस हैं सब हैं। लेकिन अगर हमारा स्टार्ट अच्छा हुआ तो हमें उम्मीद करता हूँ कि 190 एंड 200 प्लस फर्स्ट इनिंग मेरा स्कोर हो सकता है। वही बात अगर भारत के बॉलिंग की करें तो क्या लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम में कई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, अक्षर पटेल को आप किस नजरिए से देखते हैं? लेफ्ट हैंडर एक इंग्लैंड की तरफ बल्लेबाज होंगे और अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं, क्या उनको रोल देना चाहिए आज? नहीं, वो डिफेंसिव फील्ड लेके बॉल डाले, और क्योंकि T20 शॉर्ट ओवर की इनिंग होती है, अगर लेफ्टी बैट्समैन वहाँ पे हैं तो ऐसा नहीं कि अक्षर पटेल ने प्रीवियस मैचेस में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बॉलिंग नहीं करी। अक्षर पटेल पास भी एक अच्छा एक्सपीरियंस आ गया और वो इतनी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि उनको लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर से किसी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं भारत के तेज गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर, शमी, अक्षदीप तीनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीद करते हैं कि आज भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एहसान जी, भुवनेश्वर के बारे में क्या कहेंगे, क्या बदलाव आया एकदम से उन्होंने किस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना गजब का प्रदर्शन किया है? भाई भुवनेश्वर कुमार तो देखिए पिछले आप मैचों में देखते आ रहे हैं, जो स्विंग उनकी होती है और एक्सपीरियंस उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, एक लाइन लैंड एक्यूरेट है। अगर शुरू के कुछ ओवर में उन्होंने अच्छी बॉल डाली और स्विंग विकेट से मिली उनको, वहाँ के ग्राउंड कंडीशन से फिर स्विंग मिली, तो बहुत असर पड़ेगा उनकी शुरू के ओवर में जो आखिरी तक इंडिया को फ़ायदा देगा। वही अगर लौट के हमारे ओपनरों के ओर तो देखें कि रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं चल रहा है, क्या लग रहा है कि कौन से गेंदबाज आज दोनों ओपनरों को सबसे ज़्यादा बच के रहना होगा इन दो बॉलरों से? देखिए उनके जो वुक्स हैं और सैम करन हैं, ये जो बॉलर्स हैं इनके, ये बच के क्या रहना है कि दोनों पेस अटैक बहुत अच्छे हैं, वो पूरा एक्यूरेट लाइन रख रहे हैं और हमें अटैक करके खेलना, हमें डिफेंस करेंगे तो प्रेशर उनके ऊपर हैंडल हो जाएगा, हमें शुरू से अटैक करके खेलना। देखिए रोहित शर्मा एक महान खिलाड़ी हैं, उन वो बड़े से बड़े बड़े बॉलर्स को खेल चुके हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इस पोजीशन पे बहुत बड़े मैचेस वो खेल चुके हैं कि इस पोजीशन पे उनको इन बॉलर्स का प्रेशर हैंडल करना पड़े। नेचुरल गेम खेलेंगे जैसे वो नेचुरल खेलते आ रहे हैं, अटैक करेंगे शुरू से तो नीचे वाले खिलाड़ियों के लिए इजी होगा, जल्दी विकेट होगा, बड़ा मैच है तो प्रेशर आएगा। तो दोनों ओपनर्स को मैं मानता हूँ कि दोनों को नेचुरल गेम खेलना चाहिए जैसे उनका नेचुरल गेम है। सेमीफाइनल मैच का एक प्रेशर ना लें कि सेमीफाइनल मैच है तो हमें डिफेंसिव करना है, क्या करना है, फिर ये नेचुरल गेम। अहसान जी, T20 में बात एक्स फैक्टर की होती है, किसे लगता है कि भारतीय टीम में आपको कौन सा खिलाड़ी है जो आज का मैच का एक्स फैक्टर होने वाला है? ऐसा तो हमें नहीं लगता है कुछ, क्योंकि सभी लोग हैं बढ़िया प्लेयर, कि किसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक एक लगे हुए हैं सब, ये चाहे रोहित हों चाहे विराट हों, सभी प्लेयर अपने अपने में सूटेबल हैं। वही बात क्या अगर इंग्लैंड के सेमीफाइनल के सफ़र की करें, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा, आयरलैंड से हारे हैं और आज सेमीफाइनल में, क्या आपको नहीं लग रहा भारत जैसी टीम के खिलाफ कुछ अतिरिक्त दबाव उनको भी झेलना पड़ेगा आज के मैच में इंग्लैंड को? हाँ वो तो है, क्योंकि ग्राउंड सपोर्ट सबसे बड़ा क्राउड होता है वहाँ का सपोर्ट, वो इंडिया का मोस्टली 80-20 आप समझ सकते हैं कि 80-20 वहाँ पर सपोर्ट रहेगा, और जिस हिसाब से इंडिया खेली चली आ रही है मैचेस नीचे, तो हिसाब से तो इंग्लैंड प्रेशर में रहेगी।
अब बात इंग्लैंड के ओपनर की करें, एलेक्स हेल्स आते हैं तेजी से रन बनाते हैं, बटलर का बल्ला खामोश रहा, एक ही पचासा आया है, किस नजर से देखते हैं कि बटलर के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों को क्या रणनीति बनानी चाहिए? भाई बटलर को ये कमजोर ना समझें, बटलर ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और जो इस टूर्नामेंट में जहाँ जहाँ वो आउट हुए, अगर इनके कोच ने इनको बॉलर्स को वो चीज़ें इनको रीड कराई होंगी कि ये वीकनेस पॉइंट है बटलर का, अगर मेरे बॉलर उस लाइन पे बॉल डालेंगे तो बटलर को रन बनाने में बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए वहाँ पे कि भाई बटलर इतनी लास्ट फ्यू इनिंग में यहाँ यहाँ आउट हो रहे हैं तो बॉलर्स वहीं बॉल डालें, ओनली वहीं बॉल, क्योंकि बटलर को अगर हम हल्का समझते हैं तो ये भारत की टीम की बहुत बड़ी भूल होगी। वो एक अगर इंग्लैंड के कप्तान हैं तो बहुत बड़े बैट्समैन भी हैं, वो कभी भी मैच का रूप बदल सकते हैं, इसलिए उनको आप हल्के में न समझें और उनके खिलाफ एक अच्छी रणनीति बना के रोहित शर्मा को उतरना पड़ेगा। वही बात अगर एलेक्स हेल्स की करें, पिछले एक दो मैचों में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, आते हैं एकदम से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो बटलर के ऊपर से भी दबाव कम कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए वही चीज़ हमने कही ना, देखिए बोथ हैंड है, जो उनके कमज़ोर पॉइंट होते हैं हमारे बॉलर्स को सिर्फ वहीं बॉल डालनी, अगर सपोज ये हेल्स हिट कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि डिफेंसिव फील्ड लेकर हमें जल्दी से जल्दी ओवर डाल लें जिससे कि वो ज़्यादा अटैक ना कर सके, और वो कोई बॉलर हमारे एक्सपेरिमेंट ना करें और एक अच्छी लाइन पे बॉल डालें। इंग्लैंड की बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग बहुत लंबी है इंग्लैंड में, किसी को भी फर्स्ट डाउन भेज सकते हैं, एक मैच में श्रीलंका के अपन में देखा उन्होंने मोइन अली को उतार दिया, डेविड मलान का भी T20 के नंबर एक बैट्समैन थे उनको लास्ट में उन्होंने उतारा, उनकी बैटिंग को कहाँ से देखते हैं कि मतलब भारत के खिलाफ कैसे उनको उनकी बैटिंग को रोकना पड़ेगा? नहीं ये बात आपकी सही है, बैटिंग लाइनअप वो इंग्लैंड की जो है भारतीय टीम से बहुत आगे है और 10 नंबर तक की बैटिंग है, और जैसे पिछले कुछ मैचों में देखा होगा आपने मोइन अली कंसिस्टेंसी वन डाउन भी आ जाते हैं और पिंच हिटिंग का काम करके अच्छे रन भी परफॉर्मेंस करते हैं, तो वहीं हमारी थोड़ी सी बैटिंग उनसे लास्ट में शॉर्ट है, उनकी बैटिंग तो 10 लाइनअप तक है। बात बॉलिंग के करें तो ऑलराउंडर्स की भरमार है इस टीम में, मोइन अली हैं, बेन स्टोक्स हैं, क्रिस वोक्स हैं, कैसे है। देखते हैं भारतीय इनकी इंग्लैंड की गेंदबाजी को? हमने क्या कहा शुरू में कि इंग्लैंड की टीम को एक कांटे की टीम का टक्कर देगी और जो इनके ऑलराउंडर हैं ये भारतीय टीम से ऊपर के निकलते हैं कि ये भाई मोइन अली एक अच्छे ऑलराउंडर है, बेन स्टोक हैं, ये बेन स्टोक वो बेन स्टोक के परफॉर्मेंस नहीं देकर जो उनको कहा जाता है, और मैं चाहता हूं कि आज के मैच में भी वो वैसे ही रहें जैसे पिछले मैचेस में इनका परफॉर्मेंस रहा है, वरना इंडिया टीम को काफ़ी भारी पड़ सकता है, कि मैच विनर प्लेयर हैं, कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, इसलिए इनके खिलाफ भी भारतीय टीम को एक अच्छी रणनीति बनानी है कि किस वीक पॉइंट पे बेन स्टोक इस टूर्नामेंट में खेले हैं उसी वीक पॉइंट पे इनको बॉल डालनी है, वही स्ट्रेटजी अपनानी है, तब जाके भारतीय टीम सफलता प्राप्त करेगी और एक अच्छे मैच जीत के फाइनल में बड़े मनोबल के साथ उतरे पाकिस्तान के अगेंस्ट। वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया के मौसम की करें तो बारिश की संभावना वहां बनी रहती है, शाम के स्थानीय अनुसार 6:30 बजे वहां मैच होगा, क्या लग रहा है आपको टॉस जीत के क्या करना चाहिए दोनों टीमों को, किसका टॉस में क्या महत्वपूर्ण इस बारिश को और वहाँ की कंडीशन को देखते हुए किसको पहले बैटिंग या किसी को पहले बॉलिंग चलनी चाहिए? भाई हमारी बॉलिंग और बैटिंग देखें दोनों एवरेज हैं और इंग्लैंड की टीम की 10 नंबर तक बैटिंग देते हैं, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले वो इंग्लैंड की टीम को बैटिंग कराएं और जल्द कम से कम टारगेट पर उनको आउट करें, जिससे कि हमारे एक्सपीरियंस मेरे यहाँ दो ऐसे प्लेयर हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक महान क्रिकेटर विश्व के महानतम क्रिकेटरों में इनका नाम है, तो ये अपने एक्सपीरियंस से मैच को लंबा, फिर दिनेश कार्तिक को अगर आज मौका देते हैं तो चेस करने में बहुत फ़ायदा ये तीन प्लेयर कर सकते हैं, और अगर पहले बैटिंग करती इंडिया टीम तो एटलीस्ट 190 प्लस बनाए और अपने बॉलर्स को डिफेंस बॉल करके मैच दें, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि इंग्लैंड पहले खेले और इनको कम से कम रन में 150 के अंदर आउट करें, क्योंकि इंग्लैंड की टीम की बैटिंग लाइनअप जो है वो पूरी दर्द तक है। उम्मीद करेंगे कि हम पहले इंग्लैंड को ही बैटिंग कराएं, मान लो अगर इत्तेफाक से हम टॉस अगर हार गए और हमारी बैटिंग आ गई, कितना लक्ष्य देना चाहिए इंग्लैंड को कि सुरक्षित रह पाए? मैंने आपसे बताया ना 190 प्लस ये होगा जब हमारी ओपनिंग स्टार्ट अच्छी होगी, कि अगर हमारे कप्तान एक कप्तानी पारी है कि अपने कैलिबर के हिसाब से आज उन्होंने बैटिंग करी तो 190 प्लस हमारे स्ट्रोक होगा, कि सूर्य कुमार यादव विराट कोहली जब ये बैटिंग करने आएंगे तो इनको एक कॉन्फिडेंस होगा, तो ये अपना नेचुरल खेलेंगे तो जाके हमारा स्कोर 200 तक पहुँच सकता है। आसान जी वैसे तो विनिंग कॉम्बिनेशन में कुछ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सेमीफाइनल को देखते हुए कहीं कुछ एक आध पोजीशन को आपको कुछ बैटिंग में फेर बदल की कुछ संभावना दिख रही है?
नहीं, बैटिंग में तो मुझे नहीं लगता है फेयर बॉल बदल की, और स्पिनर में जैसे अभी आपने कहा अश्विन, अश्विन बहुत उपयोगी रहेंगे चहल की जगह, क्योंकि अश्विन एक्सपीरियंस होल्डर हैं और एक्सपीरियंस का आज बड़े मैच में बहुत यूज़फुल है, और अगर शुरू में अगर वो बॉल डालते हैं भुवनेश्वर के साथ तो बहुत उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि बॉल स्विंग कम हो रहा है वहाँ पर इंग्लैंड, जैसे इंग्लैंड ही कंट्री होती है वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में खास करके, तो अश्विन बहुत उपयोगी बॉलर साबित होंगे। अब बैटिंग का रहा सलाह, तो बैट्समैन में मैं नहीं समझता हूँ किसी को चेंज किया जाए, बैटिंग लाइनअप वही रखें जो इनकी चली आ रही है और चेंज ना करें। एहसान जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका JMT न्यूज में। बात सेमीफाइनल की हो रही थी भारत और इंग्लैंड के बीच जो आज खेला जाएगा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं एहसान जी। एहसान जी, मैच आपने अभी तक जानकारी दी, अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो एडिलेड का मैदान है वहाँ के दोनों तरफ की साइड बाउंड्रियाँ छोटी हैं, स्पिनरों को क्या कुछ लाइन लेंथ में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि साइड बाउंड्री छोटे होने से कहीं ना कहीं उनका कुछ प्रभाव कम होता है। जी हाँ, दोनों ये चीज़ वहाँ पे एक थोड़ा सा स्पिनरों के लिए ड्रॉबैक रहता है कि दोनों बाउंड्रीज जो हैं वो दोनों छोटी हैं, तो हमें उसी, लेकिन जो इस स्टेज पे क्रिकेट खेलते हैं तो उनके लिए ये नहीं मायने रखता है कि छोटी है तो उस हिसाब से उनको बॉलिंग करनी है। जैसे अगर राइट हैंडर बैट्समैन है तो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल लेकर वन साइड पैक करके बॉल डालनी है, जिससे कि बैट्समैन को लेग स्टंप पे खेलने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ लेकर डालेंगे तो आजकल बैट इतने अच्छे हैं, बॉल्स इतनी अच्छी आ रही हैं कि वो अपने आप जाती हैं, बैट तो बस आप टच करिए बाउंड्री के बाहर, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लेकिन इस लेवल पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है इनको उस पे। इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, सभी सूर्य कुमार यादव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जिसने अपने प्रदर्शन के सब कहीं ना कहीं सेमीफाइनल पहुंचने में बहुत मदद की, हम बात कर रहे हैं अक्षदीप सिंह की, क्या कहना चाहेंगे? ये एक आप, मैं यही कह रहा हूँ, ये आपने बहुत सही बात कही कि अक्षदीप जो हैं, जो अभी न्यू कमर होकर आए हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस चल रहा है और जिस हिसाब की वो अपनी लय पकड़े में बॉलिंग की, अब मैं समझता हूँ आने वाले वर्ल्ड में ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे और बड़े प्लेयर बनेंगे। भारतीय टीम को काफ़ी समय से एक लेफ्ट हैंडर अच्छे बॉलर की तलाश थी, अक्षदीप से के साथ शायद वो पूरी होती नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि अभी भी अक्षदीप को अभी कुछ अपने में सुधार के और अभी कहीं गुंजाइश लग रही है आपको? नहीं, ऐसा नहीं सुधार की, भाई ये है कि जितनी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, सब फॉर्मेट में हैं वो खेल रहे हैं, और जितनी क्रिकेट अभी खेलेंगे एक्सपीरियंस आएगा, तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। जब ज़हीर खान रिटायर हुए थे तो मैं, हम लोग समझते थे कि अब एक ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर दोबारा इंडिया में अभी नहीं आएगा, लेकिन अभी अक्षदीप की परफॉर्मेंस देखते हुए लग रहा है कि ज़हीर खान की कमी को काफ़ी पूरी की और आगे जाके ये काफ़ी आगे निकल सकते हैं। वही बात करें सेमीफाइनल में बात है, दोनों टीमों के दबाव दोनों टीमों के ऊपर होगा, पाकिस्तान पहले ही पहुंच आया है, क्या लग रहा है आपके, भारत पाकिस्तान महामुकाबले की बातें चल रही हैं, आपको लग रहा है कि आज भारत जरूर जीतेगा? नहीं, ज़रूर जीतना चाहिए, और हम तो ये कहेंगे भैया आ जाते हो, अगर हार जाओ फाइनल में जीत ही विकल्प है, आज हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल में सिर्फ जीत विकल्प है, जो हमारा महामुकाबला होना, जिसका हम सब देशवासी खेल प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ये सेमीफाइनल बड़ा मुकाबला होता ही है, ये पहले मैच कह चुका हूँ, फाइनल से बड़ा मुकाबला होता है कि दोनों टीमें पूरी ताकत लगा देंगी मैच जीतने के लिए कि हम किसी तरीके से फाइनल पहुँचे, फाइनल में जो पहुँच गए तो फाइनलिस्ट तो हो ही गए हो, लेकिन सेमीफाइनल को दोनों टीमें किसी भी सूरत से गंवाना नहीं चाहेंगे, और दोनों अपने अपने वैल्यू में बराबर हैं, हेड टू हेड अगर देखा जाए तो इंडिया इंग्लैंड के 22 T20 मैच हो चुके हैं जिसमें से 12 इंडिया ने जीता है, तो ज़्यादा ग्राफ नहीं है, अब दो मैच अगर ज़्यादा हैं भी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन इंग्लैंड ने भी 10 मैच जीते हैं, ये भी आपको देखना है, तो दोनों टीमें हैं बढ़िया खेलेंगी। वहीं अगर बात कल के सेमीफाइनल की करें एहसान जी, तो पाकिस्तान एक ऐसी टीम फाइनल में पहुंची है जिसके बारे में शायद क्रिकेट पंडितों ने कहना शुरू कर दिया था जो घर लौटने वाले हैं, कहां से उनके प्रदर्शन में क्या हुआ कि एकदम से सुधार आ गया? देखिए, हमने आपसे कहा ना सेमीफाइनल में जब शुरुआत इनकी इतनी अच्छी नहीं रही, उनके जो ओपनर बैट्समैन हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं बाबर आजम, पिछले कई इनिंग से नहीं परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो एक रहता है कि कोई बड़ा प्लेयर कभी भी बड़ा मैच बदल सकता है, कभी भी बड़े मैच में अपने आप की लय पा सकता है, तो अगर यहाँ कल मेरा हमारा टीम आज भारत मैच जीतती है तो हमें ओपनर बैट्समैनों को जो बाबर आजम है इनके ये ना इनके खिलाफ एक पूरी रणनीति के साथ फाइनल उतरना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम एक अच्छे बैट्समैन हैं और उन्होंने दिखा दिया कि देखिए बड़ा मैच था और बड़ा प्लेयर कभी भी बड़े मैच में खेल सकता है। और बाबर आजम रिजवान हम अभी भूले नहीं है कि पिछले वर्ल्ड कप में हमको 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, काफ़ी योगदान दोनों का ही रहा,
नहीं वो तो बात सही, लेकिन पहले अभी हमें आज के बड़े मुकाबले पे नजर रखनी, फिर हम महा मुकाबले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जल्दी आगे निष्कर्ष रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। अभी हमें सेमीफाइनल देखना है, जो एक महा मुकाबले से बड़ा मुकाबला है, कि हमें आज हम जीतेंगे फिर हम उसके बारे में प्लान करेंगे। लास्ट वर्ल्ड कप में हमें इन्हीं दो प्लेयर ने शिकस्त दी, 10 विकेट से हम हारे, तो उसका बदला लेना है ना लेना है तो अदर मैटर है। पहले प्रेजेंट टाइम में हमें आज का मुकाबला जीतना है और भारत को फाइनल पहुंचाना है। बड़ा मैच है और भारतीय दर्शक सभी जगह पहुंच जाते हैं, उम्मीद है कि आज भी ग्राउंड फुल होगा और भारतीय दर्शकों से भरा होगा। भारतीय दर्शक इतनी अपेक्षाओं में जाते हैं तो क्या भारतीय टीम पे दबाव बनता है या प्रदर्शन दिखाने का काम करता है, आपका क्या नजरिया है? देखिए, क्राउड का आना एक दबाव नहीं रहता है, क्राउड से मोटिवेशन होता है, सपोर्ट होता है, लेकिन क्राउड को एक्स्ट्रा उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। जैसे प्लेयर कभी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर अलग गलत गलत कमेंट्स करना, उनके घरों में कुछ न जाना, उनके फैमिलीज के को रिएक्ट करना, ये सब चीज़ें आप खेल को खेल की नज़र से देखें। ठीक है, हमारे इंडियन टीम है, ये मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, आज नहीं चले कोई डजंट मैटर, लेकिन कल परफॉर्मेंस करेंगे। और हमारे यहाँ ये चीज़ ज़्यादा होती है, अगर इनकेस अगर मैच हमारे परफॉर्मेंस ना हो तो आज एक ही दिन में हम उस प्लेयर को ग्राफ का ऐसे नीचे कर देते हैं जैसे लग रहा है कि वो कल कभी उसने परफॉर्मेंस नहीं की, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो। अभी लास्ट कोई फ्यू मंथ विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो ऐसा लग रहा था विराट कोहली रिटायरमेंट ले लें, ये बाहर चले जाएं, ख़त्म हो गई क्रिकेट, लेकिन विराट विराट थे और विराट की तरफ आए और उन्होंने कई मैचेस दिखाए, वो आपके सामने परफॉर्मेंस है। तो खेल को खेल की नियत से देखें, हमारी टीम इंडिया टीम है, इंडिया जीते, इंडिया का चेयरअप करें, हार गई जो गलतियाँ हैं उस पर हम ध्यान दें, ना कि प्लेयर्स के बारे में उल्टा सीधा कमेंट्स करें और उनके घर पे या कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें इंसिडेंट कर सकें। बात हो रही है डेविड मलान की, डेविड मलान का शायद आज के मैच में खेलना संदिग्ध लग रहा, फिल शॉल्ट उनकी जगह आ रहे हैं। ऐसा नहीं पूछना चाहूँगा कि अभी तक फिल शॉल्ट को इस पूरे वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला है, एक नया बैट्समैन भारत के खिलाफ एकदम से उतरेगा, क्या लग रहा है कि आपको कि यह भारत के लिए अच्छा है या अभी तक हम उसको जानते नहीं है तो भारत के लिए कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके निकल ले जाए? नहीं, ये देखिए तो अच्छी बात है कि वो बाहर होंगे और भारत को इसके बहुत एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उनके लिए भी फिर साहब कोई मैच खेले नहीं है, अब बड़ा मैच है ये सेमीफाइनल, तो मैं भी समझता हूँ खुद एक बहुत बड़े प्रेशर में रहेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हैं और सबसे बड़ी बात किस पोजिशन पर वो जाते हैं बैटिंग करने के लिए, क्योंकि बड़ा मैच है कि मैं नहीं समझता बटलर इसको रिस्क लेके ज़्यादा अच्छा उसमें ओपन या वन डाउन कहीं पे भी खिलाएं, जो उनकी बैटिंग स्लॉट है उसके नीचे ही इनको खिलाएंगे बैटिंग करने। बात करें टीम के दोनों के ऑलराउंडरों की, सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या और हम उनसे तुलना करते हैं बेन स्टोक्स की, इन दोनों के आप प्रदर्शन का एहसास जी क्या देखते हैं? देखिए, हार्दिक पांड्या ने इधर शुरू के कुछ मैच में जो परफॉर्मेंस करी बैटिंग से और बॉलिंग, बेन स्टोक अभी उसनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन बेन स्टोक भी एक बहुत वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडरों में इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर इंडियन टीम आज उनको बहुत ईजी वे में लेती है तो बहुत बड़ी गलती करेगी और उनको उसका नुकसान होगा, कि बेन स्टोक वही सेम हमारे हार्दिक पांड्या हैं, अगर हार्दिक पांड्या ने एक आध इनिंग के बाद परफॉर्मेंस नहीं की तो इसका ये मैटर नहीं कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर नहीं है, वो गेम प्लान कर सकते हैं। लास्ट के 5 ओवर के दोनों बैट्समैन बहुत डेंजरस बैट्समैन हैं, कभी भी मैच पलट सकते हैं, तो दोनों टीमों को इन दोनों प्लेयरों से बहुत होशियार होना चाहिए और इनके खिलाफ प्लान करना चाहिए। वही बात करें अक्षर पटेल की और मोइन अली की, दोनों की तुलना में आप किसे भारी समझ रहे हैं? अक्षर पटेल देखिए अलग किस्म के बॉलर हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, और मोइन अली हैं, लेकिन मोइन अली में ये है परफॉर्मेंस की मोइन अली एक बैटिंग उनका एक प्लस पॉइंट है कि वो ओपन भी वन डाउन भी आ सकते हैं और लास्ट में बैटिंग कर सकते हैं, तो एक ऑलराउंडर को मैं कंपेरिजन करा जाए तो मोइन अली जो ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे इनसे अक्षर पटेल से, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर तो गेम प्लान कर सकता है, कभी भी गेम पलट सकता है, अगर ऑर्थोडॉक्स उन्होंने बॉल डाली एक वन साइड फील्ड करके तो उसको इंडिया को फ़ायदा मिलेगा, और ऑफ ब्रेक इंडिया में मोस्टली सब प्लेयर राइट हैंडर हैं तो ऑफ ब्रेक और राइट हैंडर खेलने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। आपने कहा दोनों टीमें लगभग बराबर नजर आ रही, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि आज की फेवरेट टीम कौन सी है तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हम तो ऑब्वियसली इंडिया जाएंगे, इंडिया को फाइनल जिताना चाहेंगे, फाइनल में कब लेना चाहेंगे और पिछले वर्ल्ड कप का पाकिस्तान से बदला लेना चाहेंगे, लेकिन बाद में पहले आज का मुकाबला कि आज हम जीते देन हम फाइनल के लिए सोचेंगे। जैसा कि एहसान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बता रहे हैं कि आज हम भारत फेवरेट है और
महामुकाबले की सभी को जो तैयारियां है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। सर एहसान जी, हम पूछना चाहेंगे कि दोनों टीमों का आपने पिछले पूरे वर्ल्ड कप में प्रदर्शन देखा, लेकिन अभी भी भारत के जो विकेट कीपर है, आपने कहा कि दिनेश कार्तिक के साथ जाना चाहिए, कार्तिक का प्रदर्शन पिछले कुछ मैचों से बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पंत को या केएल राहुल से ओपनिंग कर विकेट कीपिंग करा के किसी अतिरिक्त बैट्समैन को खिला लिया जाए दूसरे को? नहीं देखिए, अगर ये नहीं, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर पूरा विकेट विकेट कीपर को बैटिंग कराना चाहिए। और जहाँ रही बात कंपनी बैटिंग की, तो जो जिस डाउन पे ऋषभ पंत और कार्तिक आएंगे बैटिंग करने, तो वहाँ तक इतना मैच ओवर नहीं बचते हैं, तो हिटिंग की प्रॉब्लम रहती है। और वहाँ पे हार्दिक पांड्या को पर इंडियन टीम ने कई बार भेजा है, और रही बात विकेट कीपिंग की केएल राहुल से, तो इतने बड़े मुकाबले में इंडियन टीम को इसकी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक प्रॉपर विकेट कीपर के साथ जाएँ। और मेरी राय है कि दिनेश कार्तिक को आज मैच खिलाया जाए। बात हो रही है एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की, भारत को लेफ्ट हैंडर सुबह से आखिरी तक आप देखिए तो अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो भारत में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नहीं है, पंत को हम मौका नहीं दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमको अक्षर पटेल को ऊपरी क्रम में भेजना पड़ा, क्या आपको लग रहा है अगर दिनेश कार्तिक को भी खिला लिया जाए, पंत को भी खिला लिया, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुछ नज़र में? नहीं नहीं, तो फिर हमारे लिए समस्या होगी कि हम किसको बाहर करेंगे। और हमारे लिए अच्छा है कि अगर लेफ्ट हैंडर नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ मोइन अली जो हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, ऑफ ब्रेक हैं, तो ऑफ ब्रेक को लेफ्ट हैंडर खेलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और हमारे यहाँ मोस्टली सब राइट हैंडर बैट्समैन हैं, तो इतना नहीं इशू है कि एक लेफ्ट हैंडर होना कंपलसरी है या नहीं है, कोई डजंट मैटर, ये डिपेंड करता है अपोनेंट बॉलिंग कैसी है। सभी जानते हैं कि शाइम करन एक पाकिस्तान का ऐसा छुपा रुस्तम ऑलराउंडर है जो कभी भी अपने दम पे मैच का पासा पलट सकता है, शाइम करन की बल्लेबाजी को लेकर आप किस प्रकार की प्रेडिक्शन करना चाहेंगे एहसान जी? देखिए, आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस है पूरे वर्ल्ड कप में, सैम करन, और जो आपने कहा कि अगर वही चीज़ अभी हमने कही कि इंडिया इंग्लैंड टीम के 10 नंबर तक के प्लेयर हैं, किसी भी प्लेयर को हम कम नहीं हार सकते हैं, और सैम करन जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो बॉल डाल रहे हैं, जो बैटिंग कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ इस टाइम अभी तक इन दोनों का कंपेरिजन किया जाए, प्रेजेंट टाइम पे सैम करन से अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुई है किसी की। भारत का इतिहास रहा है कि जो 145 से अतिरिक्त स्पीड के गति के गेंदबाज होते हैं भारत के बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, इंग्लैंड की टीम में भी एक ऐसा बल्लेबाज है जो 150 के आसपास फेंकता है, उससे तेज भी फेंकता है, इस वर्ल्ड कप में मार्क वुड ने 155 की स्पीड से भी गेंदबाजी की है, क्या लग रहा है कि भारत के लिए बड़ा खतरा साबित होने वाले हैं आज के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि 155 से फेंकने से कि किसी के ऊपर असर पड़ेगा ना उनको, अभी हमने जैसे पहले कहा कि दोनों ओपनर्स हों चाहे मिडिल और प्ले नेचुरल गेम, ये हमें डजंट मैटर करता है कि मैं इसको रियलाइज करूं कि अरे 155 की स्पीड से फेंक रहा है या 130 की स्पीड फेंक रहा है या कौन स्पिनर्स है कौन नया आया, हमें अपना नेचुरल खेलना है, अगर 155 की स्पीड से फेंकेंगे उतनी तेज उमार भी खाएंगे। आपने कहा कि भारतीय टीम को बैटिंग बल्लेबाजों को आक्रामक क्रिकेट खेलनी चाहिए, बात करें रोहित शर्मा की, आते हैं और उन्होंने कुछ समय से अपने बैटिंग में परिवर्तन किया, आते हैं और एकदम से विस्फोटक अंदाज अपना लेते हैं, हालांकि उनको कुछ मैचों में सफलता अभी तक नहीं मिल पाई, क्या लग रहा है कि रोहित को शर्मा को दो चार ओवर पहले संभाल के खेले उसके बाद अपने शॉट खेलना स्टार्ट करें? देखिए, आज के मैच में जैसे पिछले कुछ मैचों में केएल राहुल की परफॉर्मेंस आई है, तो मैं अगर रोहित शर्मा जी से रखता हूँ तो रोहित शर्मा को ये चाहिए कि केएल राहुल से कहें कि आप थोड़ा एग्रेसिव खेलिए, मैं आपको खिलाता रहूँगा, तो अगर 2-4-5 ओवर की पार्टनरशिप हो जाएगी तो रोहित शर्मा को जो एक जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो उनका एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो अपना नेचुरल खेलने लगेंगे, लेकिन शुरू के 2-4 ओवर पूरा हैंडल करने दें केएल राहुल को कि आप अपना एग्रेसिव खेलिए, जैसे आप खेल लें हम आपको मौका देते रहेंगे। और रोहित शर्मा इतने महान खिलाड़ी हैं, जहां वो 2-4 ओवर खेल गए तो फिर वो एक अच्छा स्टार्ट देंगे और फिर इंडियन टीम का टारगेट 190 प्लस जैसे मैंने कहा वो पहुँच सकता है, जो इंग्लैंड को मुश्किल पड़ सकता है। अब बात करते हैं विराट कोहली की, एशिया कप में उन्होंने अपने अफगानिस्तान के खिलाफ फॉर्म पकड़ा, शतक लगाया, फिर से उनका वो कहते हैं जो चेस मास्टर रन मशीन, उन्होंने उसी नाम के अनुरूप प्रदर्शन चालू कर दिया है। विराट कोहली आते हैं और से फर्स्ट डाउन आ रहे हैं और एंकर करते हैं, एकदम लास्ट तक की बैटिंग को लेके जाते हैं, शुरुआत में रनर बाई खेलते हैं, उसके बाद अपना धीरे धीरे अपने औसत बढ़ाते रहते हैं, फिर एकदम पाँचवीं गेयर में बैटिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आज के मैच में उनका प्रदर्शन? भाई, जो विराट कोहली जिस लेवल के प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक महान खिलाड़ी है, इस वक्त विश्व के सबसे महान खिलाड़ी हैं, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंडियन टीम की जिम्मेदारी है कि वो पूरी एंड तक जाएं। जितनी देर विराट कोहली बेस्ट प्लेयर जितने ओवर खेलेगा उतनी ही परफॉर्मेंस इंडियन टीम की होगी, अब वो अपने साथ दूसरी टीम पर बैट्समैन को भी खिलाते रहते हैं,
जो एक महान खिलाड़ी दर्शाता है। तो विराट कोहली में मैं चाहूंगा कि वो आखिर जितने मैक्सिमम ओवर खेलेंगे लास्ट तक जाएंगे तो इंडिया का स्ट्रोक जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो अपने पार्टनर को भी वो खिलाते रहते हैं, फिर वो अपना नेचुरल गेम खेलता, वही सोचता है कि हमारे सामने तो विराट कोहली जैसे हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं तो खेलेंगे नेचुरल गेम। तो उनका तो यही है कि हर मैच में वो आखिरी तक खेलें, आज भी आखिरी तक खेलें और एक अच्छा परफॉर्मेंस करें। वो इस मैच के बारे में जानकारी देख लेंगे। ग्रीन पार्क से हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला जुड़ गए हैं, अभिनव शुक्ला से जानकारी लेते हैं। अभिनव जी, कैसा माहौल है कानपुर में, बताना चाहेंगे आप? जिस तरीके से महामुकाबला होने वाला है, जो इंग्लैंड और भारत के बीच जंग है उसको लेकर अंदर काफी ज्यादा उत्साह है। इस वक्त हम लोग ग्रीन पार्क में है और ग्रीन पार्क में यहाँ के कुछ खिलाड़ी हमारे साथ में, उनसे ही बात करेंगे कि आज का मैच है, किस तरीके से देख रहे हैं आज के मैच को और कितना उत्साह उनके अंदर है। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि कितना उत्साह है आज के मैच को लेकर, क्या देख रहे हैं मैच में? आज के मैच फाइनल में चली गई है, हम तो चाहते हैं कि इंडिया भी फाइनल में जाए, फाइनल देखने में काफी मजा आए, पाकिस्तान के साथ बहुत मजा आए। अच्छा, सही बात है, भारत और पाकिस्तान का मैच एक अलग ही रोमांच होता है जब दोनों मैच होते हैं, और आज भी यही सभी क्रिकेट प्रेमी ये चाह रहे हैं कि भारत आज का मैच जीतेगी और उसके बाद पाकिस्तान से जो फाइनल मुकाबला होगा। आप बताइए कितना उत्साह देख रहे हैं और किस प्लेयर से उम्मीदें लगा रहे हैं, क्या कुछ उत्साह बहुत है और विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को बहुत उम्मीद लगाई है, अच्छी फॉर्म में करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि वो आज मतलब अच्छा अपना बेस्ट दे और इंडिया फाइनल जाए। उम्मीदें हमारी राहुल से भी है, राहुल से भी उम्मीद है, ये अब तक वो भी आज भी हमको लगता है आज फॉर्म में आएंगे ना, तो मैच देखने मजा। देखिए वहाँ जो मौसम इंग्लैंड में जो मौसम होता है वहाँ का जो मौसम है वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं बताया जा रहा दिक्कत दे सकता है मौसम, तो ऐसे में क्या कुछ देख रहे हैं इसमें, कुछ समझ में आ रहा है मौसम के बारे में? जी तो जैसे किस तरीके से यहाँ पे जो क्रिकेट प्रेमी है उनके अंदर काफी ज्यादा उत्साह है, यहाँ के प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर हैं और उनके अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी अब लोग जानना चाहेंगे कि आपके साथ भविष्य के कुछ सितारे हैं, हो सकता है भारतीय टीम के ये सेवाएं दे आगे चल के, इनसे पूछिए कि क्या उन्होंने मैच को देखे कैसी तैयारियां की है, जीत के बाद कैसी पार्टियां होगी, जरा पूछ के इनको बताइएगा। हम बिल्कुल जैसे आज इंडिया जीता है इंग्लैंड के साथ, उसके बाद पाकिस्तान में, तो क्या कुछ आप लोगों ने तैयारियां की है इस T20 फाइनल में, किस में भारत की जीत होगी तो आगे किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा, क्या कुछ पार्टी वगैरह के कुछ ऐसी तैयारियां आप लोगों ने करी हुई है? अगर मान ली जाएगा इंडिया फाइनल चली जाती है तो हम लोग एक काम करेंगे, पटाखे खरीद के रख लेंगे, जीत जाएगी तो रात में फोड़ेंगे, मतलब दिवाली वाला माहौल बना देंगे। अच्छा जी जी जी, आपने क्या कुछ तैयारियां की हुई है अगर फाइनल में इंडिया पहुंचती है और उसके बाद जब फाइनल भी जीतती है तो क्या कुछ तैयारियां हैं, पार्टी वगैरह? अच्छा कुछ खिलाड़ी मेरे साथ और आए हैं यहाँ पर, जैसे आज जब इंडिया जैसे जीतती है इंग्लैंड के साथ और उसके बाद क्या कुछ आपने पार्टी की तैयारी करी है, कितना उत्साह आप लोग के अंदर देख पाते हैं? क्या देख रहे हैं, किस तरीके का उत्साह है, कितना उत्साह है? तो ऋषभ ये देखा आपने, भविष्य के खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर हैं और उनके अंदर भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी अभिनव जी, आपने बताया कि आज पार्टी मैच जीत के बाद बड़ी पार्टी होने वाली है, सब हमने भी आज जब हम ऑफिस आ रहे थे हमने भी देखा कई जगह कानपुर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं, मैच को देखने के काफी प्रबंध किए गए हैं, शायद कुछ समय बाद हो सकता है सड़कों पर भी सन्नाटा दिखाई दे। वहीं हमारे साथ एहसान जी भी जुड़े हैं, क्रिकेट कोच है, विशेषज्ञ हैं। एहसान जी, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर में पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है और बड़ा मैच होने वाला है, बिल्कुल आपने पहले ही कह दिया है कि आज भारत जीत रही है, महामुकाबले की सभी तैयारियां कर रहे हैं, एहसान जी क्या लग रहा है कि आज के सबसे बड़ा मैच का हीरो कौन होने वाला है? देखिए मेरा ओपिनियन है कि आज मैच में रोहित शर्मा एक बड़े खिलाड़ी के रूप में आएंगे और हमें बहुत उम्मीद है उनसे और ये सिद्ध करेंगे कि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं, तो मैं रोहित शर्मा के साथ जाऊंगा कि रोहित शर्मा एक आज मैच के हीरो बन के उतरेंगे।
अभिनव हमारे जो साथ मेहमान जुड़े हुए बता रहे हैं कि आज की रोहित शर्मा सबसे बड़े आज के एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं, बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। भैया आपके साथ कुछ भी मेहमान जुड़े हुए हैं, बात कीजिए कि रोहित शर्मा को आप किस प्रकार से आज देख रहे हैं और वही विराट कोहली के प्रदर्शन से क्या उम्मीदें की है आपने? देखिए बिल्कुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली से आप लोगों की कितनी उम्मीदें हैं, क्या देख रहे हैं और किस प्लेयर को आप आज देख रहे हैं कि कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा चलने वाला है, किसके ऊपर उम्मीदें लगाई जा रही है? आज विराट कोहली चलेगा फॉर्म में, पहले से ही वो चल रहे हैं, विराट कोहली चलेगा। बॉलिंग की बात किया तो लेकिन चलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो हरदीप सिंह है, भुवनेश्वर कुमार है और विराट कोहली। क्या देख रहे हैं आप, किसके ऊपर उम्मीदें लगाए आपने, किस खिलाड़ी से? लगातार फॉर्म में दे रहा है तो बताया सूर्य कुमार यादव, हरदीप सिंह, रोहित शर्मा, इन लोगों के ऊपर, इन विराट कोहली, इन लोग के ऊपर ये लोग पूरी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और इन्हीं खिलाड़ियों को देखने के लिए आज ये जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ पर, आज इन्होंने कई तरह के प्रबंध भी किए हुए हैं शाम को, जैसा भी खिलाड़ियों ने बताया भी किस तरीके से शाम को पटाखे वगैरह खरीदे और दिवाली जैसा माहौल शाम को होने वाला है। जी अभिनव बने रहिए, आपसे हम जानकारी पल पल की लेते रहेंगे। आप बता रहे हैं कि मैच जीत के बाद भारत में आज फिर से दिवाली बनने वाली है, दिवाली तो अभी कुछ ही दिन पहले गई है लेकिन आज एक दोबारा इस साल दूसरी बार दिवाली देखने को मिल सकती है। वहीं सांग जी आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि आज दिवाली बनने वाली है, आपने किस प्रकार की तैयारियाँ की हैं? देखिए जैसे महामुकाबला कभी भी इंडिया का हुआ है तो हम अपने ग्राउंड पर पूरी तैयारी में हम लोग रहते हैं कि मैच जीते, और आज हम अपने ग्राउंड पर अभी शाम के टाइम पे अपने ग्राउंड ही पे अपना हम लोग टीवी का और स्क्रीन का जो करा दिया बंदोबस्त, जिससे कि बच्चे ग्राउंड पे रह के इंडियन टीम को मैच जीतें और मैच जीतने के बाद एक अच्छी पार्टी करें। पटाखे तो हम लोग पास अभी भी बच्चे ग्राउंड पे रखे हैं दिवाली के T20 की तैयारी के लिए। किन शब्दों में भारतीय टीम को आज कहेंगे कि फाइनल जीत के लायक, क्या आपके दो शब्द होंगे कि शुभकामनाएं किस प्रकार आप देना चाहेंगे भारतीय टीम को? शुभकामनाएं सिर्फ एक ही है, ओनली वन, आज मैच जीती है और ईच एंड एवरी प्लेयर गिव 100% एंड 100%, नो शॉर्टकट एंड गिव 100% एंड फाइनल में भारत को पहुंचाएं, जिससे कि हम T20 में लास्ट T20 का पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको हरा कर एक नया कीर्तिमान साबित करें। पाकिस्तान पहले से ही, आप पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की बात की, पाकिस्तान पहले से ही फाइनल में पहुंच चुका है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि जैसे पहला मैच हुआ था कहीं ना कहीं रोमांचक ही पराकाष्ठा उस मैच में पहुंचने वाली है? नहीं, ज़रूर होगी। इंडिया पाकिस्तान का कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देखें, कभी भी मैच उनके हुए तो एक रोमांचक रहा, एक्साइटमेंट सभी को रहता है और आजकल के माहौल में जब फाइनल होगा तो उसका ही तो एक महा मुकाबला, इसीलिए कहा ही गया कि रोमांचक मैच होता ही आ रहा है। और लास्ट ईयर हम ज़रूर हार गए, क्रिकेट है अप डाउन, उनके प्लेयर अच्छे खेले, हमारे प्लेयर नहीं बॉल अच्छी कर पाए, दिन था उनका, जीत गए वर्ल्ड कप में पहली बार वो जीते, लेकिन अब गुरु गुरु ही होता है, बस इतना ही कहेंगे। सही है, लेकिन अब कल अभी तो बेमानी होगी इस बारे में बात करना, हालांकि आज के मैच में हम लोग बने हुए हैं लेकिन फिर भी हमने कल देखा बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग को काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, उन्होंने फॉर्म में वापसी की है, अगर भारत फाइनल में पहुँचती है तो क्या भारत के लिए फिर से खतरा साबित हो सकते हैं? नहीं, अब देखिए पिछले मैच की हार से भारत अगर उनसे कुछ सीखा होगा, किस जगह पे हम लोगों ने बॉलर ने बॉल डाली थी तो उससे अगर कुछ सीखा होगा तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर हम उस चीज़ को नहीं देख रहे थे कौन सी मैंने वीक पॉइंट पे हमने बॉल डाली जिससे कि रिजवान और बाबर इजी वे में खेल लेते, तो वो लाइन लेंथ से हमें हटा के गुड लाइन पर बॉल डालनी है और उनको डिफेंस करके रखना है। हम अटैक करने जाएंगे तो वो प्ले नेचुरल गेम खेलेंगे और उनका कॉन्फिडेंस है ही ऊपर, क्योंकि वो लास्ट मैच में हमसे अच्छा खेल के आए, हम लोग जीते हैं 10 विकेट से जीते थे, तो मनोबल तो थोड़ा सा ही है लेकिन हमें अपने उस वीक पॉइंट को देखना है। हम वो मैच रिप्ले करके देखें, अगर उनके कोच हैं जो उनके टीम मेट्स हैं तो अपने बॉलर्स को दिखाएं, यहाँ यहाँ वही बॉलर हैं भुवनेश्वर, वही बॉलर हैं कि यहाँ यहाँ हमने बॉल डाली थी जो अटैक रिजवान और ये कर रहे थे, तो आपको लाइन कंसिस्टेंसी इस लाइन पर रखनी है जिससे कि उनको जहाँ दिक्कतें हों। 3 घंटे का क्रिकेट है, 4 ओवर एक बॉलर को बॉल फेंकनी है और शुरू में बहुत अगर कोई फेंकेगा 2 ओवर फेंकेगा, 2 ओवर में 12 बॉल, तो ये कहा जाए कि आप 12 बॉल को एक एक बॉल को रीड करके फेंके कि हमें बस यही डालनी है जो उनका वीक पॉइंट है, अब वीक पॉइंट जो जो उन बैट्समैन के वो उनको दिखाएं
दो दिन का समय बहुत होता है, एक घंटे का समय बहुत होता है कि इस लेवल पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं कि समझने के लिए कि ये लाइन मुझे रखनी है बाबर के अगेंस्ट, ये रिजवान के अगेंस्ट, ये इनके वीक पॉइंट हैं। और हमारे पास सिर्फ 12 बॉल हमें फेंकनी दो ओवर, उसके बाद हम डेप्थ में जाएंगे। अगर वो 12 बॉल हमने अच्छी कर दी, अटैक अच्छा आ गया, तो हमारी टीम तो अपने आप जीतेगी। लेकिन ये बात तो बात की है, पहले आज की मैच की बात चर्चा चल रही है, तो आज के मैच में वही चीज़ करनी इंडिया को ताकि आज जीतें, तब ये महामुकाबले की बात की जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस वर्ल्ड कप के वो टिकेगा, सब घर वापसी की उम्मीद कर रहे थे और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। वह उनके बॉलर थे शाहीन अफरीदी, पिछले वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार कुछ फीके लग रहे थे वो, और अब इन्होंने आते आते एकदम कल की जो मैच हुई एकदम अपनी पुरानी फॉर्म हासिल कर ली है। क्या कहना चाहेंगे अफरीदी के बारे में, वो पाकिस्तान के लिए कितना शुभ संकेत है? देखिए, अभी हमने आपसे क्या कहा, जो महान खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी होते हैं, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के इस टाइम सबसे अच्छे बॉलर हैं, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है ये अड्डा, लेकिन बड़ा खिलाड़ी कभी भी, जैसे मैं रोहित शर्मा के लिए कह रहा हूँ, बड़ा खिलाड़ी कभी भी बड़े मैच में पलट सकता है, गेम चेंज कर सकता है, जो शाहीन अफरीदी ने किया कि जितने बड़े बड़े मैच हुए उन्होंने परफॉर्मेंस करी और फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान टीम को उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो ये करेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ अगर इंडिया आज अच्छा मैच जीत के जाती है तो हमारे बैट्समैन के पास बहुत एक्सपीरियंस है और वो इतना इसको प्रेशर लेके नहीं खेलेंगे शाहीन अफरीदी को। वही बात करें, शादाब खान है उनकी टीम में और नवाज है, लेकिन दूसरे नंबर के बॉलर के बाद रऊफ का पूरे टूर्नामेंट प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। उनको कहता है कि पुरानी गेंद के वो बुमराह के मुकाबले के गेंदबाज हैं, किस वजह से देखते हैं आप उनको? नहीं, उनकी रिवर्स अच्छा होता है, वो जैसे अभी आपने कहा बुमराह डेथ बॉलिंग के लिए वो अच्छे बॉलर हैं, और हमारी वही चीज़ है ना दोनों के मुकाबले में कि अगर स्टार्ट एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो पेस बॉलिंग का अटैक हो चाहे बैटिंग का अटैक हो, अगर हमारा स्टार्ट अच्छा होगा हर चीज़ का तो हमारे डेथ बॉलर भी अच्छी बॉल डालेंगे, हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी अच्छी बैटिंग करेंगे। लेकिन अगर स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो उसको हैंडल करने के लिए हमें लगता है टाइम, और T20 छोटा से ओवर ही क्रिकेट होती है, आधे एक घंटे में एक इनिंग ख़त्म हो जाती है। तो डिपेंड करता है बोथ स्टार्ट का कि हमारी अटैकिंग बैटिंग एंड बॉलिंग कैसी हुई। वही बात करते हैं हम इंडिया की टीम की, कुछ समय पहले चहल हमारे सबसे मुख्य गेंदबाज थे, पूरे टूर्नामेंट हो गया, शायद आज सेमीफाइनल में भी उनके मौका मिलने की संभावना बहुत कम है। चहल को आप किस प्रकार देते हैं, बेस्ट पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट इंटर पे बैठे रहे, क्या लगता है कि क्यों मौका नहीं दिया गया, या भारतीय टीम इतनी यही मजबूत है कि उनको इसलिए मौका नहीं मिल पाया? नहीं, चहल एक बहुत अच्छे बॉलर, उन्होंने कई मैच विनर मैच जिताए हैं इंडियन टीम को, लेकिन एक सिचुएशन आती है कि कॉम्बिनेशन हमारा बन गया है अश्विन जी के साथ, अक्षर पटेल के साथ, तो विनिंग कॉम्बिनेशन ही से आदमी टीम उतरती है, तो वो ज़्यादा बेटर करता है, ना कि हम किसी उस प्लेयर को खिलाएं, ज़रूर अच्छा है लेकिन एक कॉम्बिनेशन को वो बिगाड़ना नहीं चाहती है टीम कोई भी, या अनफिट कोई हो तो एक मैटर करता है, चलिए स्पिनर के ऑप्शन में स्पिनर आ गया, लेकिन ऐसे में जगह बनाने के लिए तो मैं नहीं समझता हूँ किसी टीम को भी कोई भी टीम ऐसे चेंज नहीं करती है। अब जैसे इंग्लैंड टीम में पूरी टीम वही खेलती चली आ रही है, आज वो अनफिट हुए हैं तो अब उनके नए प्लेयर को किसी को भी वो खिला सकते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जिसको पूरे टूर्नामेंट में मौका नहीं दिया जाए, एकदम से बड़े मुकाबले में अगर कहीं चोटिल हो जाए, एकदम से बड़े मुकाबले में उसको मौका नहीं दिया जाए, उससे प्रदर्शन की उम्मीद फिर करना, कहीं उससे प्रदर्शन ना हो पाया, उसका रिदम खोया हुआ होता, क्या लगता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हम अपने कुछ खिलाड़ियों को बैठा के जो खिलाड़ी बेंच पे बैठे उनको मौका दे सकते थे? हाँ, ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ होनी चाहिए थी, जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट हमें इन सबको देना चाहिए मौका, जिससे कि अगर सेमीफाइनल मुकाबले में कोई बड़ा प्लेयर अगर हमारा चोटिल होता है तो उस चीज़ को रिकवर कर ले। लेकिन अगर जो पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला है और डायरेक्ट बड़े मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबला, जो इतना बड़ा मुकाबला है उसमें उतरेगा, तो उसके ऊपर खुद बहुत बड़ा प्रेशर होगा, भले ही वो लास्ट ईयर कई परफॉर्मेंस अच्छी करते आ रहा है, लेकिन वो खुद उसके इतना बड़ा प्रेशर होगा कि हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, हमें मौका दिया गया है, और फिर वो प्रेशर के तले दबा रहेगा। और जो पूरे टूर्नामेंट भर खेलते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बना रहता है, कॉन्फिडेंस से पूरी टीम बढ़ी रहती है तो परफॉर्मेंस होती रहती है। वही बात करें दीपक हुड्डा की, एक मैच में खिलाया गया, उनका प्रदर्शन कहीं निखर के बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा, बॉलिंग कराई नहीं गई, तो उनको हमारा ऑलराउंडर के रूप में भी देखते हैं, T20 में बॉलिंग नहीं कराई गई, बैटिंग में वो चले नहीं, दीपक हुड्डा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी आपने जैसे कहा ना कि बीच में किसी को मौका मिल जाता और खिलाया जाता, तो दीपक हुड्डा को जो मौके मिले हैं वो मौके अगर हैंडल नहीं, और इससे नहीं कहते कि प्लेयर नहीं अच्छे, प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं,
लेकिन खिलाड़ी का अप डाउन लगा रहता है कि आज हमारा दिन नहीं कर पाए अच्छा। अगर वो इंडियन टीम में उन्होंने जगह बनाई है तो ऐसा नहीं कि प्लेयर नहीं अच्छे, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और कप्तान ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर बॉलर हैं या ऑलराउंडर हैं तो आपसे बॉल कराई जाए। उस सिचुएशन पे जो भी बॉलर अगर बॉल अच्छी डाल रहा है, जो जिस डाउन में बैट्समैन बैटिंग करनी पड़ वही ही चल गया, उनका दिन है। साल जी आपने बताया चहल के बारे में, बताया दीपक हुड्डा के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे जो कहते हैं कि इस टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी जब से अपनी चोट से वापस आए हैं उन्होंने एक नया वर्जन धारण किया है, बहुत अच्छे विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो टीम में ढल गए हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग में मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि बैटिंग उनकी वो निखर के इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं आई। क्या उम्मीद करेंगे कि आज उनकी बैटिंग निखर के आएगी सामने? देखिए आज बड़ा मैच है, इस चीज़ को वो खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि आज हमें जितना ही मौका मिले, और मैं ऐसा मानता हूँ कि लास्ट के 5 ओवर के लिए उन वो बहुत उपयोगी बल्लेबाज हैं। और अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया, हमारे फर्स्ट सेकंड डाउन 2 विकेट या 3 2 विकेट होते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिनेश कार्तिक या पंत जो भी कीपर खिलाएं उसके ऊपर इनको मौका दें, जो लास्ट के 5 ओवर में जो ये शॉट्स खेल लेते हैं वो इन दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत और के नस्बत में नहीं है। इसलिए दिनेश कार्तिक इनके ऊपर मैं मौका देना चाहूँगा अगर लास्ट के 4 या 5 ओवर बचे हैं। एहसान जी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि एहसान जी ने जानकारी दी सेमीफाइनल मैच है, इन्होंने प्रेडिक्शन भी किया कि भारत आज जीत रहा है, वहाँ मुकाबले के लिए सब तैयार रहें। वहीं अन्य खबरों के लिए बने रहे जेएमडी न्यूज़ के साथ। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।